देखिए महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक में महायाजक वर्ष में एक बार लहू लेकर जाता, और यहां जो वाचा का संदूक दिखाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पद तक के विषय में उसका पहला भाग सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पदों के विषय में इसके दूसरे भाग के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। यहां पर है, हम इन पदों को पढ़ देना चाहते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अब यहां क्या है, परमेश्वर का मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अनजातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। परमेश्वर के दो गवाह जिसको यह अधिकार दिया गया कि 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। परमेश्वर के मंदिर वेदी और उपासना करने वालों को नापने से पहले हमने इसके पहले भाग में सीखा था कि परमेश्वर के मंदिर को समझें। परमेश्वर के मंदिर क्या है, उसके कितने भाग हैं, हमने सीखा था कि उसके 3 भाग हैं और उस भाग में क्या क्या मुख्य चीजें हैं। आंगन के विषय में हमने पिछले संदेश में सीखा और आंगन में मुख्य रूप से क्या चीजें थी और उनका क्या अर्थ था उसके विषय में सीखा था। आज जो है हम सीखेंगे कि पवित्र स्थान के बारे में। जी हाँ, पवित्र स्थान के बारे में आप इब्रानियों 9:2 पद पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, वह पवित्र स्थान कहलाया जाता था। अब यहां पर आप कहोगे कि यह पहला तंबू है, आप तो पहले भाग के बारे में बता चुके हैं। देखिए, जब हम पूरे पवित्र स्थान की बात करते हैं तो उसमें आंगन पहला होता है, फिर पवित्र स्थान दूसरा होता है, और फिर तीसरा जो होता है महापवित्र स्थान। क्योंकि छोटी छोटी बातों को लोग नोट करते हैं, फिर वो कमेंट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। परंतु जब हम तंबू की बात करते हैं, तंबू का मतलब जो चीजें ढकी गई हैं, जब हम उसकी बात करते हैं, दो चीजें ढकी गई थी। तंबू का मतलब जो ऊपर लगाया जाता है, जो आंगन था उसके चारों तरफ भी जो थी वो बाड़ लगी हुई थी, पर्दे लगे थे, कुर्सियां थी, तख्ते थे, ये सारी चीजें लगी हुई थी। परंतु जो तंबू ऊपर लगाया जाता है उसमें जो था सिर्फ दो स्थानों के ऊपर लगा था, पवित्र स्थान के ऊपर और महापवित्र स्थान के ऊपर। इसलिए यहां पर जो इब्रानियों जो कह रहा है, जो तंबू का जो मंदिर था, तंबू जो था जिसमें जो पहला भाग था वो पवित्र स्थान। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए समझें कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि आंगन के चारों तरफ जो थी वो कुर्सियां, खंबे और पर्दे जो थे वो हुआ करते थे। आप निर्गमन 35:17-18 तक पढ़ सकते हैं और आप निर्गमन 39:40 में भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए तंबू जो था वो अलग हुआ करता था, वो पहला स्थान कहलाया जाता था। पवित्र स्थान में जो थे 7 दीवट थे और मेज जिस पर रोटी रखी जाती थी, दो भाग करके 6 रोटी एक तरफ और 6 रोटी एक तरफ, यानी 12 रोटियां जो थी वो रखी जाती थी। ये ध्यान करिएगा, 7 दीपट की पहले हम बात करेंगे कि पवित्र स्थान में जो थे वो 7 दीपट थे। ये 7 दीपट किस बात को
प्रकट करते हैं, इसका भेद क्या है, इन भेदों को जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 1:13 पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अब यहां यूहन्ना जो है पवित्र स्थान को देख रहा है, जो पवित्र स्थान के उस स्थान को देख रहा है जहां पर दीवट रखे हुए थे, 7 दीवट रखे थे, उसमें वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। वो दीवटों के पास में जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, उसका वर्णन जो है वो यूहन्ना कर रहा है। अब क्या क्या देखता है, प्रकाशित वाक्य 1:20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीपकों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीपक 7 कलीसियां हैं। अब ध्यान कीजिएगा, ये जो भेद दिखाया गया है, जब आप प्रकाशित वाक्य 1:16 पढ़ेंगे तो उसके दाहिने हाथ में 7 तारे और 7 वो जो 7 दीपक जो है वो देख रहा है और उन चीजों को वो देख रहा है। ये 7 दीपक क्या है, ये 7 दीपक जो है 7 कलीसियाएं हैं। अब पवित्र स्थान के अंदर जो 7 दीपक हुआ करते थे, जिसपे दीपक रखे हुए थे, और वो दीपक जो थे वो परमेश्वर की 7 आत्माओं को दिखाता है, 7 दूतों को प्रकट करता है, और 7 दीपक जो है वो 7 कलीसियाओं को प्रकट करते हैं। यानी 7 कलीसियाओं का प्रकटीकरण जो है वो उसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये 7 कलीसियाएं जो आसिया की 7 कलीसियाएं हैं, जिसका वर्णन जो है 7 चर्चेस के रूप में, 7 कलीसियाओं के रूप में हम पहले ही कर चुके हैं अपने वीडियो में। और वो आसिया की, यानी आसिया की, एशिया की 7 कलीसियाएं जो तुर्की में पाई जाती हैं, वो उसका वर्णन जो है वो दिया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये 7 कलीसियाएं जो है 7 समय काल का भी प्रगटीकरण है। देखिए, भेद जो है परमेश्वर दे रहा है महापवित्र स्थान में जो है, इन भेदों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए मैंने कहा ना कि कलीसिया जो इन चीजों को जानने से पहले आप परमेश्वर के मंदिर को समझें और मंदिर में जो मुख्य रूप से जो चीजें रखी हैं उनके भेद को समझें, तभी जो है इस भेद को जो है हम समझ पाएंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो रोटी थी मेज पर, जो रोटी 2 भागों में रखी होती थी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, 6-6 रोटी जो थी रखी जाती थी, तो रोटी की तुलना जो है वो कई चीजों से की गई है। पहला, जब आप जब रोटी के बारे में पढ़ेंगे तो न्यायों की पुस्तक 7:13-14 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर जब मिधानियों ने आक्रमण कर दिया इसराइलियों के ऊपर, वो बहुत थोड़े से थे और उनका जो लीडर था वो गिदोन था, परमेश्वर ने गिदोन को चुना था, मगर वो बहुत थोड़े लोग थे और उनके अंदर एक डर समाया था कि कैसे हम इनका सामना कर पाएंगे। तब परमेश्वर गिदोन से कहता है कि तू इसराइलियों के खेमे में चुपके से जा और सुन वो क्या कह रहे हैं। तब वो जाता है और देखता है कि वहां पर जो 2 मिधानी सैनिक सिपाही थे वो आपस में बात कर रहे थे कि उसने एक सपना देखा। वो अपना एक सैनिक अपना दूसरे सैनिक को सपना बता रहा था कि मैंने एक जौ की रोटी देखी है जो इसराइल के खेमे से आई और हमारे खेमे में टकरा गई। तो दूसरा जो है उसके अर्थ को बताता है कि ये जो जौ की रोटी तूने देखी है ये गिदोन की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं, यानी हम गिदोन की तलवार से नाश किए जाएंगे। तो वो जौ की रोटी किसका किसको प्रकट करती है, वो गिदोन की तलवार को प्रकट करती है। लूका 22:19 को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा अंतिम भोजन कर रहा है, उसने 1 रोटी ली और जब उसने 1 रोटी ली और उसने उस रोटी को तोड़ा और तोड़कर क्या कहा, ये मेरी देह, यानी रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की देह को प्रकट करती है। मगर कौन सी रोटी, जो हम प्रभु भोज में यूज करते हैं उस रोटी की बात कर रहे हैं। वो रोटी जो है वो प्रभु भोज में जो है जो यूज होती है वो प्रभु यीशु मसीह की देह को प्रकट करती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना 6:35 में लिखा हुआ है कि जीवन की रोटी मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा, और यूहन्ना 6:48 में भी जो है ये बात लिखी हुई है। और यहां जो है, परंतु पवित्र स्थान में जो रोटी प्रत्येक दिन रखी जाती थी जिसको सिर्फ याजक लोग खा सकते थे,
परंतु एक समय ऐसा आया कि दाऊद और उसके साथियों को भी वो रोटी खानी पड़ी जिसको याजक को छोड़ और कोई नहीं खा सकता था। ये समझने की बात है कि ये रोटी किस चीज को प्रकट कर रही है। ये रोटी इसराइलियों के 12 प्रधानों को भी प्रकट करती है। जी हाँ, इसराइल के 12 प्रधानों को भी प्रकट करती है। और जो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, और ये 12 प्रधानों का जो हुकूमत रहेगी वहां पर, जो दाऊद रोटी खाता है जिसका वर्णन करता है कि दाऊद याजक को छोड़ और कोई नहीं खा सकता है, तो वो दाऊद के सिंहासन का प्रगटीकरण वहां पर दिया गया है। उसको भी प्रकट करता है कि वो दाऊद का सिंहासन फॉरएवर तक रहेगा, और यीशु मसीह इस बात का वर्णन करता है। बहुत भेद हैं। मैं हर एक चीज को बहुत डीपली अगर खुलासा करने लगूं तो फिर मेरा सारा वक्त इसी में लग जाएगा, मगर मैं आपको कुछ कुछ मुख्य बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि पवित्र स्थान में जो चीजें रखी थी उनका महत्व क्या, उनका भेद। फिर है आप रोटी के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा, पहला कुरंतियों 5 अध्याय उसका 8 पद। सो आओ हम उत्सव से आनंद मनावे, ना पुराने खमीर से और ना बुराई और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ये अखमीरी रोटी का जो पर्व हुआ करता था, 7 दिन का जो पर्व हुआ करता था, और अखमीरी रोटी के पहले दिन ही प्रभु ने जो प्रभु भोज किया है, और उस रोटी को प्रभु भोज के समय में उसने तोड़ा है और तोड़कर कहा कि ये मेरी देह है। ये सिधाई की और सच्चाई की वो रोटी है जिसका नाम यीशु मसीह है। जी हाँ, ये रोटी जो है सिधाई और सच्चाई को प्रकट करता है, और वो रोटी कौन सी है? वो यीशु मसीह है, जो वो ये कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो पवित्र स्थान में रखी जाती थी। तीसरा भाग है, तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में सोने की धूपधानी और वाचा का संदूक हुआ करता था, और वाचा के संदूक में जो था क्या क्या चीजें थी? एक तो पत्थर की दो पट्टियां थी जिसको परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा था, और दूसरा था उसके अंदर सोने का मर्तमान था जिसमें मन्ना रखी हुई थी, और हारून की छड़ी थी जिसमें फूल आ गए थे। ये जो था, ये चीजें जो थी इसमें रखी हुई थी, और लिखा है कि प्रायश्चित का जो ढकने के ऊपर तेजो में करूब जो थे वो थे। ये मुख्य बातें जो थी जहां परमेश्वर जो है प्रकट होता है। आप अगर इन पदों को पढ़ना चाहते हैं, आप अगर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इब्रानियों 9:3-5 पढ़ सकते हैं, निर्गमन 25:10-16 पढ़ सकते हैं, निर्गमन 26:31-33 पढ़ सकते हैं, निर्गमन 16:33 पद पढ़ सकते हैं, गिनती 17:8-10 पद पढ़ सकते हैं जिसमें हारून की छड़ी का भी वर्णन है, व्यवस्था विवरण 10:3-5 पढ़ सकते हैं, निर्गमन 25:17-22 तक आप पढ़ सकते हैं, और इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोने की धूपदानी के बारे में कि ये पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं इसके बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं। जो धूप जलाया जाता था पवित्र स्थान की, जो सोने की वेदी हुआ करती थी, धूप वेदी हुआ करती थी, उस पर जो धूप जलाया जाता था वो परमेश्वर को चढ़ाने का मतलब है कि लोगों की प्रार्थनाएं चढ़ाई जा रही हैं, लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचाई जा रही है। आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:8, प्रकाशित वाक्य 8:4, और निर्गमन 30:1-10 तक आप पढ़ सकते हैं। फिर है वाचा का संदूक। ध्यान दें, प्रायश्चित के दिन जो था महायाजक जो था इसराइलियों के पापों को लेकर जो है वर्ष में एक बार लहू लेकर जो है इस महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक के सामने उपस्थित होता था, परमेश्वर के सामने उनके पापों के प्रायश्चित के लिए उपस्थित होता था। और यहां पर जो है यूहन्ना जो स्वर्ग में जो मंदिर देख रहा है, उस मंदिर को यूहन्ना के लिए जो है वो खोला जाता है, और उसमें क्या देखता है इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 11:19, तब परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। इस मंदिर का महायाजक कौन है? इस मंदिर का महायाजक जो है वो यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए यहोवा के सामने प्रकट हुआ। देखिए, महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक में महायाजक वर्ष में एक बार लहू लेकर जाता था,
और यहां जो वाचा का संदूक दिखाया जा रहा है, जहां वाचा का संदूक रखा, जो पवित्र स्थान दिखाया जा रहा है, महापवित्र स्थान, उसमें जो वाचा का संदूक था वो जो दिखाया जा रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान ये दोनों एक है। मगर यहां पर पवित्र स्थान की हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों 5 अध्याय जब आप 5 पद तक पढ़ेंगे, यहां लिखा है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ देते हैं यहां पर, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। देखिए, महायाजक बनने की जो बढ़ाई है, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन बना? प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित वही है। ये वो पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर का मंदिर है, जो बताया जा रहा है कि हमारा जो महायाजक है, जो पवित्र स्थान है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन किस बात का वर्णन करता है। इसलिए ये महापवित्र स्थान जो है, जो महापवित्र स्थान का वर्णन किया गया है, परमेश्वर उस महापवित्र स्थान की बातें बता रहा है। इसलिए मैंने कहा कि उन भेदों को समझने से पहले, किन भेदों को समझने से पहले, कि फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। इस भेद को समझने से पहले हमें परमेश्वर के मंदिर के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए मैंने मुख्य रूप से कुछ कुछ चीजें आपको बताई और उनके अर्थ बताए, जिससे आप जब इस भेद का खुलासा होगा आने वाले वीडियो में, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।